You either die as a hero or live long enough to see yourself become a villain. 2008 की मूवी The Dark Knight की ये लाइन इस समय मुकेश खन्ना के ऊपर एकदम फिट बैठती है, बिकॉज पिछले कुछ दिनों में जो भी ड्रामा चल रहा है शक्तिमान फिल्म को लेकर एंड उनके उस कैरेक्टर को लेकर, देखो शक्तिमान एक 90s का शो था और इंडिया का पहला सुपर हीरो शो था एंड उस टाइम पर उसे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, उसका एक कल्ट बेस बन गया था, एवरीबडी लव्ड इट एंड हाँ उसका एक कल्चरल इम्पैक्ट भी था। शक्तिमान इंडिया का पहला सुपर हीरो शो था जो डीडी नेशनल पर एयर हुआ था फ्रॉम 1997 टू 2005। इसको क्रिएट किया था मुकेश खन्ना ने एंड उन्होंने ही इस शो के अंदर शक्तिमान और उसका एक ऑल्टर ईगो बाल गंगाधर का कैरेक्टर प्ले किया था, जहां पर वो शहर में हो रहे क्राइम को रोकते हैं एंड वहां से कुछ ना कुछ सीख निकाल कर वो बच्चों को सीख देते थे। सो इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन एट द सेम टाइम। ये शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, तो अगर आप 90s में पैदा नहीं हुए हो, आपने ये शो नहीं देखा है, तो भी आपने इस के बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। एंड फिर 2013 में एक मूवी भी आई थी शक्तिमान की एंड अब ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं जब ये अनाउंस किया गया था कि सोनी पिक्चर्स के साथ मिलकर भीष्म इंटरनेशनल वो शक्तिमान के ऊपर एक फिल्म बनाने वाले हैं जिसको मॉडर्न ऑडियंस के लिए थोड़ा अडेप्ट किया जाएगा, उसमें नए शक्तिमान को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बेसिकली प्लान ये था कि उसको इस मॉडर्न ऑडियंस के हिसाब से अडेप्ट करा जाएगा। उसमें सबसे प्रोमिनेंट जो नाम आ रहा था कि शक्तिमान का कैरेक्टर कौन प्ले करेगा, उनका नाम था रणवीर सिंह। बट अब ऑलमोस्ट 3 साल के बाद इस फिल्म के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे सामने नहीं है। वी डोंट नो कि ये फिल्म बन रही है या नहीं बन रही है एंड एज अ फैन ऑफ शक्तिमान इससे मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं उस शो का ऐसा कोई बहुत बड़े वाला फैन नहीं हूँ, आई एम अ 90s किड, लेकिन मैं उस समय बहुत छोटा था जब ये शो टीवी पर आता था, तो मैंने इसको ग्लिम्सेस में देखा है। मेरी मेमोरीज बड़ी इंटैक्ट है इसके बारे में और मैंने इसके बारे में स्टोरीज बहुत ज्यादा सुनी है कि इसका कल्चरल इम्पैक्ट इतना ज्यादा था, एक टाइम पर बच्चे अपने घरों की छतों से कूद जाते थे इस होप में कि शक्तिमान आकर उनको बचा लेगा, बिकॉज हमें शक्तिमान शो के अंदर ये बहुत ज्यादा दिखाया जाता था एंड इसी वजह से इस शो को थोड़ा सा बैकलैश भी मिलने लगा था। बट एक जो प्रोमिनेंट रीजन मुझे लगता है शक्तिमान फिल्म अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाई है, वो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ इसके क्रिएटर मुकेश खन्ना की वजह से। आई थिंक उनकी जो सोच है, उनका जो माइंडसेट है, वो अभी भी 90s में ही जी रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है शक्तिमान, वो इतना ज्यादा प्योर है तो मैं इसे किसी को देना नहीं चाहूंगा, मुझे इसके लिए कोई ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत ही ज्यादा प्योर हो, एकदम परफेक्ट उसका एक ऐसे फेस स्ट्रक्चर होना चाहिए शक्तिमान के कैरेक्टर को लेकर। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ऑब्सेशन इज दैट। ये जो ऑब्सेशन है अब ईगो में कन्वर्ट होती जा रही है। जब आपने अभी तक किसी एक्टर को डिसाइड ही नहीं किया है तो स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं सकती एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब पिछले कुछ दिनों में क्या होता है कि मुकेश खन्ना अपने भीष्म इंटरनेशनल चैनल पर एक वीडियो रिलीज करते हैं जिसका टाइटल होता है सक्सेसफुल रिटर्न ऑफ शक्तिमान एंड उस वीडियो के अंदर वो खुद शक्तिमान की उस ड्रेस को पहनकर आते हैं एंड वो एक पेट्रियोटिक सॉन्ग गाते हैं। उन्होंने खुद इस गाने को अपनी आवाज दी है एंड सच बताऊं तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल था उस पूरी वीडियो को खत्म कर पाना एंड उस गाने को झेल पाना एंड वो उस शक्तिमान की ड्रेस में इतना ज्यादा ऑकवर्ड लग रहे थे। एंड ये जो उन्होंने वीडियो रिलीज करी है, गाना रिलीज करा है बच्चों को फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए। इस वीडियो की टाइमिंग ही मुझे समझ नहीं आई यार, नवंबर में यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम फाइटर्स, व्हाई भाई? ये चीज आपको 26 जनवरी या 15 अगस्त को रिलीज करना चाहिए था, तो इसका जो थोड़ा इम्पैक्ट था ना वो ज्यादा हो सकता था। एंड मुझे ये भी समझ नहीं आया कि इस वीडियो की जो टारगेट ऑडियंस थी वो बच्चे हैं, दे डोंट नो अबाउट शक्तिमान। जो ये जो पूरी मूवी वो बनाने का सोच रहे हैं शक्तिमान, दैट इज डेस्टिन्ड टू फेल, बिकॉज आपकी जो टारगेट ऑडियंस है दे आर बेसिकली 30+ ईयर ओल्ड्स। आपको अगर उनको अट्रैक्ट करना है तो यू कैन नॉट प्ले विद दीज टैक्टिक्स, आपको अलग तरीके से इस पूरे कैरेक्टर को ब्रांड करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप उन 30+ ईयर ओल्ड्स को और जो छोटे बच्चे हैं उनको, दोनों को अट्रैक्ट कर पाओगे। हमने इतनी सारी सुपर हीरो मूवीज देख ली हैं, व्हाई विल आई केयर अबाउट शक्तिमान? मैंने बचपन में शक्तिमान देखा है, इवन आई डोंट केयर अबाउट शक्तिमान। अगर मैं 2024 में या 25 में शक्तिमान की कोई फिल्म देखना चाहूंगा तो मैं ये चाहूंगा कि वो फिल्म वो वाला सेटिस्फेक्शन दे सके जो मुझे स्पाइडरमैन देखकर मिलता है, या फिर मुझे आयरन मैन देखकर मिलता है, या फिर मुझे एवेंजर्स देखकर मिलता है, या मार्वल का या डीसी का कोई भी प्रोजेक्ट देखकर मिलता है। तो कैन ही डू इट? मुझे बहुत ज्यादा डाउट है। और उसके बाद मुकेश खन्ना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है वहां पर वो रणवीर सिंह के बारे में बात करते हैं कि मैंने उनको नहीं बुलाया था, वो 2.5 घंटे मेरे पास आकर बैठे थे। उन्होंने टाइगर श्रॉफ के ऊपर कमेंट किया, उन्होंने यहां तक कि रिपोर्टर्स को ये बोल दिया आप मेरी बातें सुन क्यों नहीं रहे हो, वो इसलिए आपकी बातें नहीं सुन रहे थे बिकॉज नोबडी इज इंटरेस्टेड अबाउट शक्तिमान इन 2024। वो आपका प्रोजेक्ट है, आप उससे इमोशनली अटैच्ड हो, आपके पास कोई और फ्रेंचाइज नहीं है, तो आप ये चाहते हो कि मैं उसके साथ जितना ज्यादा होल्ड कर सकता हूं मैं उतना ज्यादा होल्ड कर पाऊं। दिस टैक्टिक विल नॉट वर्क ऑन अस।
एज एन ऑडियंस। इससे जो शक्तिमान एज अ फ्रेंचाइजी के लिए थोड़ी बहुत होप थी ना, वो इतना ज्यादा डाई डाउन हो जाती है, बिकॉज 3 सालों में आप एक एक्टर डिसाइड नहीं कर पाए। इतने बड़े बैनर के साथ मिलने के बाद भी जब वो उसको बैक कर रहा है सोनी एंटरटेनमेंट, स्टिल यू आर नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस इनटू दिस फिल्म। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रोजेक्ट में कोई भी एडवांसमेंट होना है, देन मुकेश खन्ना हैज टू स्टेप असाइड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। अब आप उनके जितने भी इंटरव्यूज देखोगे, वीडियोज देखोगे, उसमें उनकी ना एक इगोइस्टिक साइड निकल कर आ रही है। बहुत ही ज्यादा फुल ऑफ ईगो वो लगते हैं आपको। आपको उनकी बातें सुनकर ही ऐसा लगने लगेगा दिस मैन इज वेरी वेरी डिल्यूजनल। मुझे ऐसा लगता है जो वो विजन अपने दिमाग में सोचकर चल रहे हैं वो ये है कि शक्तिमान का जो कैरेक्टर है बहुत ही ज्यादा प्योर है, एंड मैं बच्चों को एजुकेट करना चाहता हूँ। उनका विजन खराब नहीं है, बट दिस थिंग विल नॉट वर्क इन 2024। तो अगर आप सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर भी खेलोगे ना, तो दिस फिल्म विल नॉट वर्क, बिकॉज इसके जो टारगेट ऑडियंस है वो अब 30+ ईयर ओल्ड हैं। उन लोगों ने बहुत अच्छा सिनेमा देख लिया है। आई डोंट थिंक दे विल केयर अबाउट शक्तिमान अगर ये कोई ऐसा ही मिड प्रोडक्ट हमारे सामने रख देते हैं। मेरे फाइनल थॉट्स यही है कि आई डोंट थिंक दिस प्रोजेक्ट विल वर्क। जब तक इस प्रोजेक्ट के साथ मुकेश खन्ना जुड़े हुए हैं, आई डोंट थिंक इसके अंदर हमें कोई भी प्रोग्रेस देखने के लिए मिलेगी। बट मे बी आई कैन बी रॉन्ग। एंड वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस, मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। मैं इसके बारे में डिस्कशन जरूर करना चाहूंगा। एंड तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफी दिनों के बाद वीडियो आई है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी कंसिस्टेंट ऑन दिस चैनल एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ गुड कॉन्टेंट। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।